ठीक है बात नहीं, फिर आप ही लोग बाद में कहते हो ना कि ऐसी हमारी जगह हमारी नजर हुई, आज तक नहीं कहा। इसका कौन लिखत पे लेगा? मैं बता रहा हूँ कि सैकड़ों जगह मुसलमानों की घर को हमने कब्जा कर रखी है। किसने? उसको सरकार हमें हमारे हवाले नहीं कर पाती। किशनगंज में नहीं, पूरे इंडिया में बता रहा हूँ मैं। किशनगंज आप इंडिया का आपने ठेका ले रखा है? आपने ठेका लिया इंडिया का? मैं तो यहाँ रहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मैं भी यही रहता हूँ भाई साहब, बिशनपुरा में रहता हूँ, लोकल हूँ। मेरी पैदाइश 33, मैं कह रहा हूँ मेरी पैदाइश, मेरा वोटर लिस्ट सब कुछ यहाँ पे। नहीं, वो तो वोटर लिस्ट बन जाते नहीं। वर्कर आधे घंटे के लिए आप अभी क्यों आए? नहीं, मैं तो देखा भी किस भाई आपको, जब यहाँ 2000 तो आपने देख रहा हूँ आप जो ये जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, आपने कहा जी प्राधिकरण का ना क्या रुपए हो रहा है भैया? नहीं, वो तो आपका है, हमने थोड़ा ले जाना है। आपको जलन हो रही है? नहीं, मुझे नहीं मतलब। पागल है जो किसी को पैसा दे देगा? एक रुपए दो रुपए का जमाना, ये तो आपका माथा जो भी, एक रुपए दो रुपए का जमाना हो गया। देखो ना, वो तो कोई बात नहीं भाई साहब, एक एक चंदा से जलन हो रही है आपको? मुझे क्यों जलन होगी? आप तो बात ही वैसी कर रही है। आप कह रहे हो कि मुझे, सुनिए, जब यहाँ 2000 लोग खड़े होते हैं उस टाइम आके कोई बात करिए। और मैं आ जाऊंगा, बताओ क्या बात है? अगले कौन से कितने टाइम कितने बजे होती है नमाज? 1 बजे होती है। 1 बजे आ जाएंगे? क्यों टेंशन ले रहे हो आप? 1 बजे से लेकर 1:30 आप रहते कहाँ? ये तो ब्यासी में रहते हैं आप? नहीं, कहाँ रहते? मैं सारी नोएडा में रहता हूँ, यही बिशनपुरा रहता हूँ। मैं बिशनपुरा में कहाँ रहते हैं आप बताएं? बिशनपुरा में मैं इधर रूम ले रखा है, मेरा अपना रेजिडेंसी है। नहीं नहीं, अपना रूम है या रूम ले रखा है बताओ? ये तो यहाँ पे तो रेंट पे है। रेंट पे रहते हो? किसके यहाँ रहते हैं आप रेंट? अरे साहब उसका नाम नहीं जानते, उसके जो नहीं, आप रेंट पे रहते हैं तो बताइए ना, मैं भी वहीं रहता हूँ। आप चलो मेरे साथ गाड़ी में, बताओ कहाँ रहते हो आप? तो अपने घर में नमाज पढ़ो। सुनिए, घर में नमाज पढ़ने की बात, आपको तो दो पैसे का भाई साहब तहजीब नहीं है आप जो बात। मैं, मुझे तो तबीज बहुत है भैया, बताओ ना। घर पे नमाज पढ़ो आप? अरे जुमे की नमाज, सुनिए, जुमे की नमाज तो मस्जिद में क्यों नहीं जाते? मस्जिद में जाइए ना भैया साहब, आप हमें मस्जिद दे दो ना बना के। नहीं, मस्जिद सेक्टर 8 में है ये। नहीं, 8 में कैसे जाएंगे? आपकी कंपनी कौन सी है? सुनिए मेरी बात, सुनो आप, बताइए पहले, सुनो। मस्जिद आप कह रहे हो कि मस्जिद दे दो, सेक्टर 8 में दे रखी है इतनी बड़ी मस्जिद, खोड़ा कॉलोनी में दे रखी है। नहीं, सरकार ने तो दे रखी है, दे रखे हो? नहीं, सरकार ने दे रखी है, नहीं पड़ी है सरकार ने भी नहीं दी। आपने अपने आप बनाई है? आपने दे रखा है मुझे? आपने अपने आप बनाई है? हमारे बंदों ने प्लॉट दिया, उस पर नमाज हो रही है। तो फिर वहाँ क्यों नहीं जाते आप? कमाल वाला बात है, आपकी कंपनी से आधे घंटे का लंच होता है, ध्यान दीजिए सर, ठीक है? आधे घंटे में खाना भी खाना है, नमाज भी पढ़ना है, सेक्टर 8 से वापस आ जाएगा कोई? नहीं, आप कितने बजे होती है आपकी नमाज? मैं कह रहा हूँ हमारा 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का प्रोग्राम है। आप कह रहे हो आधे घंटे का लंच होता है, तो लंच करोगे कब आप बताओ? मैं वर्करों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वर्कर जो आते हैं उनको आधे घंटे का जो लंच होता है, उसी आधे घंटे में नमाज भी पढ़ना होता है और खाना भी खाना होता है, वापस कंपनी में घुसना होता है। अच्छा, आप हमारी जगह अगर आप उनको सहूलियत दे रहे हैं कि आप यहाँ पर पार्क में पढ़वाने के लिए सहूलियत दे रहे हैं? हम सहूलियत दे रहे हैं, सब पब्लिकों को सहूलियत मिलेगी तभी तो। अब जब यहाँ पर 1000 आदमियों की संख्या हो जाएगी, कल को आप कहोगे जी हम तो यही मस्जिद बनाएंगे, तो उसका कौन अदा? बिल्कुल नहीं। आप तो क्या प्रशासन इतना ढीला है? क्या प्रशासन ढीला ही है? ये पीछे चौड़ा गाँव वालों की, शामा डेयरी वालों के बड़े बूढ़े दबाए गए, अब उन्होंने लिख दी उस पे कि गरीब नवाजा की कोई वो दरगाह। हाँ। और जबकि मरा आदमी है चोड़ा गांव का, शामा डेयरी वालों का, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई साहब? बारे में हम नहीं जानते दरगाह। सुनिए आप, मैटर अलग है। मोहम्मद साहब अपना क्या नाम बताया? एक सेकंड मोहम्मद जी, आप आप रहने वाले किशनगंज बिहार के हैं? यहाँ पर आप किराए पे रहते हैं? 30 साल से नोएडा में है, 33 साल में अपना घर भी है, किराए पे भी रहते हैं, पर दोनों है? अभी आपने बोला। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।